नमस्कार, मैं योगेश राणा। मीडिया और सोशल मीडिया में एक खबर बड़ी तेजी से विस्तार लेती है, नीतीश कुमार अब विपक्ष की पार्टियों को एकजुट करने का काम करेंगे और उनको यह काम राहुल गांधी ने सौंपा है। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? क्या यह पूरी खबर है? और क्या नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे? और क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केवल नीतीश कुमार को ही टेलीफोन पर बात कर दिल्ली बुलाया है? उन्होंने बाकी किस किस से टेलीफोन पर बात की है? क्या यह शरद पवार के बयान के बाद राहुल गांधी को हुए राजनीतिक नुकसान की भरपाई की जा रही है? ये बहुत से सवाल हैं जिनको ध्यान में रखे बगैर इस राजनीतिक घटना की चर्चा नहीं की जा सकती है। जिस घटना को मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐतिहासिक बता दिया है, राहुल गांधी ने ऐतिहासिक बता दिया है। कांग्रेस को अचानक से ही नीतीश कुमार की जरूरत इतनी क्यों आन पड़ी है? जबकि आपको याद होगा, नीतीश कुमार खुद राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिले थे, लालू प्रसाद यादव भी साथ थे और वो विपक्ष को एकजुट करने की जिम्मेदारी चाह रहे थे। उस समय नीतीश कुमार को कोई भाव नहीं दिया गया। उस मिलन की कोई तस्वीर तक सोशल मीडिया या मीडिया में आई नहीं थी। आपको यह भी याद होगा कि नीतीश कुमार 3 बार कह चुके हैं कि हम तो तैयार हैं, कांग्रेस को ही आगे आकर पहल करनी होगी विपक्ष को एकजुट करने की। तब कांग्रेस को नीतीश कुमार में कोई दिलचस्पी दिख नहीं रही थी और अब एकाएक इतनी दिलचस्पी क्यों जग गई है? दरअसल यह विपक्ष में तेजी से बदल रहे राजनीतिक हालातों का नतीजा है। आप गौर कीजिए, पहली बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन 3 लोगों से बात की है जो नरेंद्र मोदी से निजी अदावत रखते हैं। कोई राजनीतिक या फिर कोई वैचारिक लड़ाई भाजपा से रखते नहीं है। इनमें एक नीतीश कुमार की भाजपा से कोई वैचारिक लड़ाई नहीं है, उनकी नरेंद्र मोदी से घोर व्यक्तिगत लड़ाई है। वो भाजपा के साथ पहले भी रहे हैं और आगे भी आ सकते हैं। दूसरे उद्धव ठाकरे की भी निजी खुन्नस के कारण ही भाजपा से अलग होने की बात सबके सामने आई है। उद्धव ठाकरे की तो भाजपा से कोई वैचारिक लड़ाई ही नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि उद्धव ठाकरे की जो राजनीतिक लाइन है वो भाजपा की ही राजनीतिक लाइन है। और तीसरे डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन है, उनसे भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने टेलीफोन पर बात की है। उनका भी भाजपा से कोई वैचारिक टकराव तो है नहीं है, केवल प्रदेश की राजनीति की लड़ाई है। इन्हीं 3 नेताओं से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात की है और यह जानकारी मीडिया में लीक भी हुई है। अब एक बात को और समझिए, राहुल गांधी ने एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें वो खुद खड़े हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी खड़े हैं। राहुल गांधी ने इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा है कि विचारधारा की इस लड़ाई में विपक्ष की एकता की ओर आज एक ऐतिहासिक कदम लिया गया है। साथ खड़े हैं, साथ लड़ेंगे भारत के लिए, यह राहुल गांधी ने लिखा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यहां पर विचारधारा शब्द पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं फिर कहता हूं, नीतीश कुमार की कोई विचारधारा ही नहीं है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए कभी भी किसी के साथ भी आ सकते हैं, किसी से भी हट सकते हैं। इस तरीके से राहुल गांधी की टीम भाजपा से निजी दुश्मनी रखने वालों को करीब ला रही है। अब ऐसा क्यों? इस समय विपक्ष में 3 तरह के लोग हैं। एक वो जो हार्डकोर भाजपा विरोधी है और कभी भाजपा के साथ नहीं जा सकते, जैसे राष्ट्रीय जनता दल, भारत राष्ट्र समिति, आम आदमी पार्टी, सीपीएम, सीपीआई, मुस्लिम लीग, दूसरे भी कुछ दल है जो भाजपा के साथ किसी भी सूरत में नहीं जा सकते। और इसके अलावा दूसरे वो दल है जो प्रदेश की राजनीति में भाजपा के विरोधी है, लेकिन देश की राजनीति में कई बार भाजपा के साथ खड़े होते रहे, गठबंधन में आते रहे, जैसे सपा, बसपा, एनसीपी, टीएमसी, अनेक दल है इस तरह के। और तीसरे वो दल है जो निजी खुन्नस में भाजपा से अलग हुए हैं, ये भाजपा के ही साथ रहे हैं। इन दलों को भाजपा के साथ जाने में कोई दिक्कत पहले भी नहीं रही है और माना जाना चाहिए कि अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी इनको भाजपा के साथ जाने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। हो सकता है आगे भी ये साथ आ जाए, जैसे उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, एमके स्टालिन, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अकाली दल, इंडियन नेशनल लोकदल और भी कई सारे दल। अब एक बात और समझिए, शरद पवार के एनडीटीवी के इंटरव्यू के बाद राहुल गांधी विपक्ष में अलग थलग पड़ते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। विपक्ष में वो लोग जो चाहते हैं कि विपक्ष के गठबंधन में कांग्रेस को शामिल ना किया जाए, उनको बल मिला है। जो थर्ड फ्रंट की बात करते हैं उनको बल मिला है, इसीलिए राहुल गांधी ने उन लोगों को तुरंत चुन लिया जो नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत खुन्नस रखते हैं, ताकि विपक्ष के अन्य दलों पर प्रेशर बनाया जा सके। यह दबाव की राजनीति है खालिस। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ उन दलों को जोड़ पाएंगे? क्योंकि सबसे पहले नीतीश कुमार को दिल्ली आए हैं, बुलाया गया है, मीटिंग हुई है, तो उनको
यूपीए के संयोजक के तौर पर, सबको जोड़ने के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या नीतीश कुमार विपक्ष के उन दलों को साथ ला सकते हैं जो कांग्रेस और भाजपा दोनों से बराबर की दूरी बनाकर रखना चाहते हैं, जो थर्ड फ्रंट की वकालत करते रहते हैं, जो कांग्रेस से खुद को दूर रखना चाहते हैं? नीतीश कुमार इसमें कितने कामयाब हो गए, क्योंकि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, KCR और यहाँ तक कि शरद पवार और भी कई सारे नेता खुद को प्रधानमंत्री पद के सपने से बाहर नहीं ला पा रहे। और वो खुद को प्रधानमंत्री पद के सपने से बाहर क्यों नहीं ला पा रहे, इसकी एक बड़ी वजह है, इन लोगों को उम्मीद है कि जो लोकसभा के चुनाव 2024 में होने हैं, इसके बाद के कुछ समीकरण ऐसे हो सकते हैं कि कमाल हो सकता है, हो सकता है भाजपा कुछ थोड़ा दूर रह जाए बहुमत से, इसीलिए हो सकता है उनके नाम पर कमाल हो जाए। शरद पवार भी इसी तरह की लाइन में खड़े हुए हैं, इसीलिए अब जो मौजूदा राजनीतिक तस्वीर राहुल गांधी की बन रही है, वो नरेंद्र मोदी से निजी खुन्नस रखने वालों को एक गुट बनाते हुए वो साफ साफ दिख रहे हैं, जिसमें वो सफल भी हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह गुट भाजपा को 2024 में कितना नुकसान कर पाएगा, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये लोग अपने अपने प्रदेशों में ही चिंता में साफ साफ दिखते हैं। आप इनको एक एक करके समझ लीजिए, देख लीजिए, यह एक बहुत ही साफ सी तस्वीर है मौजूदा राजनीति की। इसीलिए इस तस्वीर को और साफ होना अभी बाकी है, विपक्ष में कई सारे खेमे अभी बनने बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की और व्यक्तिगत राजनीति की। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।